अजमेर के रेगर मोहल्ला डेगी बाजार में दिन दहाड़े चोर चोरी की वारदात कर सोने चांदी के जेवर नकदी सहित घर में रखे कीमती सामान को पार कर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत क्लब टावर थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित कंचन देवी ने बताया कि मंगलवार दोपहर को उनके बच्चे अपनी नौकरी पर गए थे और वह कुछ सामान लेने के लिए पास ही के मार्केट में गई थी। इतनी ही देर में अज्ञात चोरों ने घर का ताला भी तोड़ दिया और सामान भी समेट लिया। कंचन देवी ने बताया कि उनके घर में सोने चांदी के जेवर सहित पीतल तांबे के बर्तन महंगी साड़ियां भी चोर उठा ले गए। इस मामले में बेटे अरविंद ने क्लब टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी के माध्यम से जांच में जुटी है। जी जी माता जी, कौन सा एरिया है और क्या वारदात हुई आपके घर पे? ये वारदात हुई थी साढ़ी सवा छः के बीच में, 7 के बीच में हुई थी। मैं नीचे गई थी सामान लेने के लिए, कोई औरतें बेटी थोड़ी बात करने लगी, आई तो यहाँ ताला पड़िया था टूटा, इधर चाबियां फेंकी उड़ी थी, ऊपर सगड़ा सामान एक एक चीतरा बकरेड़ा था, कुछ भी पेटियां का ताड़ा टूटेड़ा पेटियां बकरेड़ी पड़ी थी, ऊपर से पूरा सामान उतार लिया, पूरा जितना भी सामान है पीतल पीतल का कुछ भी नहीं रखा। क्या क्या था सोने में? सोने में एक मेरा हार था, एक टीका था, कनकती थी आधा आधा किला से ऊपर थी, पाईजेब थी मेरी, पाईजेब ही मतलब 1.5 पा की पाईजेब थी। कैश कितना था? कैश 11,000। लगभग कितने का माल है पूरा? पूरा माल तब सोच लियो तुम कितने का, ये कामण ले गया, मेरा रेडिया ले गया, घड़ी ले गया, कुछ भी नहीं रखे। कितने की चोरी हुई है पूरी? आज चोरी होगी भाई मतलब करीब करीब 4 लाख की तो हो ही चुकी है यार। अब सोना चांदी मिलावा तो इसमें तो बहुत टाइम लगता है यार। पीतल का सामान चले गया पूरा। मामला दर्ज करा दिया? हाँ करा दिया। कौन से थाने? क्लॉक टावर। इसमें कराया अपने दूसरी गेट। हाँ भैया कल, हाँ बड़ा वाला यही था कल, पूरे दिन यही था, वो गया था क्लॉक टावर भी गया था, यहाँ भी गया था। मैं अकेली तो थी, बच्चे सब बाहर है, नौकरी लगी जो सब बाहर है, 2 ही बच्चे है, एक तो यूनिवर्सिटी रहता है वो, तो वो ड्यूटी जाता है।